हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे गंदार ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड। ये स्टॉक, इसके डिटेल पूरा फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद उसका टेक्निकल देखेंगे और उसमें कैसे प्लान करना है, और ये मे बी आगे का मल्टीबैगर हो सकता है, तो उसके लिए आप कैसे प्लान कर सकते हैं उसके पूरी डिटेल बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो पहले तो देखो, ये स्टॉक हम क्यों ले रहे हैं, इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 2200 करोड़ से कम है, 21,183 करोड़ का है। ओके, तो कंपनी का साइज छोटा है जो कि ग्रोथ करने के लिए अच्छा रहेगा, पहला। और दूसरा चीज, अगर आप बात करेंगे आरओसी और आरओई, देखो 37% आरओसी है और आरओई 30% है, तो कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में है। और अगर आप इसकी बात करेंगे, और आपको मैं कुछ डिटेल दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो कंपनी का देखो, पहले ही मैंने आपको बता दिया आरओई अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल से 28.5 से ज्यादा ही दिख रहा है, और वहां पे मैंने आपको वो भी दिखा दिया। हाँ, एक चीज है कि कंपनी अभी प्रो डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, डिविडेंड नहीं दे रही पिछले 3 साल से, उससे पहले बहुत दिया हुआ है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, 70% 80% तक दिया है। कंपनी अभी कुछ प्लान कर रही है, एक्सपांशन कर रही है, तो वो तो अच्छी बात है ना, कि अगले 2 साल में 3 साल में अगर आप कंपनी एक्सपांशन करे तो और बड़ा प्रॉफिट आ सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या तो उसको हम निगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे। अभी इसकी बात करते हैं कि ये स्टॉक का क्या है। देखो, क्वार्टरली अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो नियर अबाउट हर क्वार्टर में 50 करोड़ से ज्यादा ही प्रॉफिट कमाया है, सिर्फ एक बार ये 48 करोड़, लेकिन नियर अबाउट वही है, तो प्रॉफिट में ये दिख रहा है। साल दर साल की अगर बात करते हैं तो आप देखो कि 2016 में कंपनी ने, जहां पे नेट प्रॉफिट की मैं बात करूंगा, 26 करोड़ रुपीस कमाया था, बढ़ाया 74 तक गया 19 और 20, तो कोविड का पीरियड था, सबको डिफिकल्ट था, तो उस हिसाब से तो भी प्रॉफिट में था, 19 करोड़ रुपया और 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट ही था, लॉस में नहीं गया। तो ये देखो, कंटिन्यूसली 2016 से कंपनी ग्रो भी कर रही थी, बीच में डिफिकल्ट टाइम आया, लेकिन प्रॉफिट सर्वाइव किया हुआ है, और उसके बाद देखो सीधा जंप हुआ 100 करोड़ पे, 164 to 13। लास्ट 3 साल से कंटिन्यूअसली शार्प ग्रो चल रहा है, ये अच्छा है, ये अच्छा सिग्नल दिख रहा है। तो पहले ये, इसके लिए ये स्टॉक को मैं रडार पे ले रहा हूं। अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप डिटेल में तो जरूर आप देख सकते हो बाद में, लेकिन आपको मैं यहाँ पे मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये कंपनी देखो पीएचपीओ मतलब पर्सनल केयर एक्चुअली बनाती क्या, देखो तो व्हाइट ऑयल जो रहता है वो प्रोडक्शन का इसका सबसे मेन चीज है, और पेट्रोलियम जेली इसका प्रोडक्शन होता है, और इसका क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे, क्लाइंट बेस देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, वो भी आपको लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लुब्रिकेंट भी रहता है, और ये देखो इसका क्लाइंट बेस यहाँ पे दिखेगा आपको। यस, कौन ये क्लाइंट, कौन है इसके, पीएनजी है, यूनिलिवर है, बजाज, कस्टमर केयर है, डाबर है, इमानी है, मारिको है, पतंजलि आयुर्वेद है, तो ये ऐसे कंपनी है जिनको ये सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाते हैं, और उनके लिए जो पेट्रोलियम जेली लगता है ये पूरा प्रोडक्शन इनके वहां होता है। 3 प्लांट है इनका, अगर आप बात करेंगे कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ये 3 प्लांट है, सिलवासा में होता है, तलोजा में होता है और शारजा में होता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कंपनी कहाँ पे, ये पूरा डिटेल आपको समझ में आ रहा है, और मोटा मोटी कंपनी प्रॉफिट अच्छा बना रही है ये दिख रहा है। तो कंपनी का मेन जो है कि एक कंपनी आगे लॉन्ग लास्टिंग टिकेगा तो जरूर टिकेगा, और मेन चीज बुक वैल्यू 83.8 है, तो बुक वैल्यू की अगर बात करेंगे 2.7 2.8 आपको मल्टीपल पे मिल जा रहा है, तो कंपनी बुरा नहीं, अच्छा है। एक टाइम था 345 का हाई किया था, वहां से कंटिन्यूस नीचे आ रहा है जब लिस्ट हुआ उसके बाद, तो आपको उसका चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ जब आप बात करेंगे। तो ये देखो, अगर आप इसका लिस्टिंग का पहले मैं आपको बताता हूँ, बाद में फिर ट्रेड ले लो, यहाँ पे लगभग 345 से लेके कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट बना रही है, लेकिन मोस्टली आईपीओ के बाद ये होता है, 500 करोड़ का आईपीओ आया था, वहां पे उन्होंने और सब्सक्राइब हुआ, और ये पैसा कुछ फंड था, कुछ लोन था, उसको रिपे करने के लिए उन्होंने यूज किया हुआ, और कुछ एक्सपांशन करने के लिए किया, ये सब कुछ है। यहाँ से कंटिन्यूअसली नॉर्मली अब आईपीओ के बाद अगर कोई स्टॉक गिरता है तो वो बुरी बात नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये बाकी चीज होती है, और नया एड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली मुझे साइन दिख रहा है, यहाँ पे तो ये डे मंथली में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको वहां पे कंटिन्यूअस लिखेगा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं
इसका वीकली और मंथ डेली चार्ट देखेंगे तो एक रिवर्सल का साइन दिख रहा है। रिवर्सल कब होगा, कंफर्मेशन कब मिलेगा, अगर ये 231 को क्रॉस कर जाता है। अभी नियर अबाउट ये रेंज के अंदर घूम रहा है, अगर 204 के नीचे जाएगा तो और नीचे के लेवल मिलेंगे, तब और ऐड करेंगे, नीचे जाएंगे। तो कंपनी को तो फंडामेंटली आपको अगर स्ट्रांग मिल गया तो उसको जरूर हम बाय करेंगे। सिर्फ बात होती है कि कब करना है, इसके लिए ब्रेकआउट का वेट करना है, टेक्निकल का यूज करना है। अगर ये स्टॉक 232-231 के ऊपर निकल जाता है तो जरूर इसमें खरीदारी चालू कर सकते हैं, 350 के टारगेट के लिए मिनिमम बैठ सकते हैं और फिर आगे देखेंगे कि कैसे वो परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है, हर क्वार्टर का हर साल का कैसे रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद वो मल्टीबैगर अगर बन रहा है तो उसको और आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी लगभग 225 के नियर अबाउट है, अगर कोई भी रीजन की वजह से अगर वापिस नीचे 200 के नियर अबाउट मिलता है, 205-210 आप एक बार जरूर ऐड करेंगे। 196 का भी 52 वीक्स का लो है, जब तक तो वो सस्टेन कर रहा है तो ये जो मार्केट में ये साइडवेज चल रहा है, और अगर ये 230-231 को अगर क्रॉस कर जाता है तो आराम से आपको 300 और 350 को टारगेट मिल जाएंगे। ये इमीडिएटली शॉर्ट टर्म 6 महीना 1 साल के लिए जो करना चाहते हैं, 3 साल 5 साल का अगर टाइम है तो ये स्टॉक अच्छा आपको रिटर्न देगा, डिविडेंड भी अगले साल शायद पे आउट हो सकता है। और मेन चीज के अगर वो 350 से लेके 150-200 तक आ चुका है तो उसके बाद अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो एटलीस्ट जो प्रीवियस हाई वो आपको मिल जाएगा वो है, और उसके बाद प्रीवियस हाई के बाद क्या पैटर्न बन रहे हैं, कैसे जा रहे हैं वो हम देखेंगे। तो ये स्टॉक का डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और अभी के लिए आपको सोचना है, जब भी देखो कोई भी आप ट्रेड लेंगे तो जरूर खुद का पर्सनल रिसर्च करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे। मैं यहाँ पे जो भी आपको बताता हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पज के लिए कि कैसे स्टॉक को सॉर्ट आउट करना है, कैसे पिक करना है। अगर ये मार्केट कैप अगर 10,000 करोड़ भी होता है तो आप पता करो कि जो प्राइस आप दे रहे हो अभी वो 5 गुना हो जाएगा। तो स्मॉल मार्केट कैप है, जरूर ये स्टॉक आपने कहीं सुना नहीं होगा, तो आपको ऐसे ही स्टॉक पकड़ना है। और अगर मार्केट में आपको अमीर बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, ऐसे ही वीडियो का अपडेट आपको अगर चाहिए तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हमेशा जब भी मैं ऐसे नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।